वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके यूट्यूब चैनल जेड ग्रुप पे। एजुकेशनल और टेक रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सीबीएसई के जो इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। उनके एडमिट कार्ड कब तक आएंगे और मतलब कब रिलीज़ हो रहे हैं और क्या प्रोसेस है, क्योंकि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो मतलब उनके स्कूलों में वगैरह स्कूल वगैरह में वहाँ पर उनके साथ डिस्कस कर दिया जाता है या फिर उन्हें बता दिया जाता है कि इस टाइम पर आपके एडमिट कार्ड आएंगे और ये प्रोसेस है। बट जो इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो प्राइवेट कैंडिडेट्स होते हैं, उनको मतलब इतना कोई बताता नहीं है। तो इसलिए मैं ये मतलब स्पेशली इम्प्रूवमेंट वाले या फिर जो कंपार्टमेंट दे रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो गाइस, पहले तो आप देखिए, ये जो सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आप आ जाइए एक बार। उसके बाद जैसे ऊपर तो ये नॉर्मल जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए आ रखा है नोटिस। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ नीचे जाना है। यहाँ पर देखिए, आप जाते रहेंगे नीचे तो यहाँ पर आपको देखिए ये आएगा एक अ पोर्टल फॉर प्राइवेट कैंडिडेट फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरी तरह से एक प्राइवेट कैंडिडेट जो होते हैं इम्प्रूवमेंट या फिर जो मतलब कंपार्टमेंट दे रहे होते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पहले हुआ था और मतलब यही वाला जो पोर्टल है वो उन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर ये आपकी ऐसे इस टाइप का खुल जाएगा, ठीक है। जिस टाइम आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उस टाइम आपने ये वाली यूज़ की होगी साइट। तो फिर आपने जैसे ये सब कर लिया आपने, तो देखिए जैसा कि अभी यहाँ पे पहले इसका वो निकला था फॉर्म, तो वो फिल करने के बाद में तो फ्रेंड्स, फिल करने के बाद में आपको मतलब एक कन्फर्मेशन आया होगा, कन्फर्मेशन पेज, तो वो आपने डाउनलोड कर लिया होगा। एंड फिर फ्रेंड्स, जैसे कि जो नॉर्मल कैंडिडेट्स होते हैं जो स्कूल मतलब स्कूल में स्टडी करते हैं, तो उनका जो एडमिट कार्ड है वो डायरेक्ट उनके स्कूल में भेज दिया जाता है और फिर वो वहाँ से मतलब स्कूल उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। बट इन प्राइवेट कैंडिडेट के केस में तो जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए ये एक नोटिस आ रखा है, तो देखिए इसमें लिख रखा है फॉर कैंडिडेट्स वो हैव गिवन देयर एड्रेस अदर देन दिल्ली, मतलब अगर दिल्ली के बाहर के अगर स्टूडेंट है तो जो उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस है वो लिखा है एलिजिबल कैंडिडेट विल बी एबल टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम द सीबीएसई वेबसाइट, जो कि ये दे रखी है www.cbse.nic.in इन द मंथ ऑफ फरवरी। देखिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है फरवरी में आपका जो ये इम्प्रूवमेंट वाले या फिर कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। तो अभी आपको घर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो और देखिए इसमें लिख रखा है और जो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स दिल्ली से मतलब है, तो उनका देखिए ये लिख रखा है जिन स्टूडेंट्स का दिल्ली का एड्रेस है उनका, तो उनका भी सेम है। देखिए इसमें भी ये लिख रखा है फरवरी में आएगा आपका 2020 में। तो जो एडमिट कार्ड की तो आपकी जो प्रॉब्लम थी वो मैंने सॉल्व कर दी फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, फिर बताता हूँ, जैसे आपको पेपर देने के बाद में जो आपका जैसे कि जो मार्कशीट होती है वो कैसे आएगी और मतलब जैसे दिल्ली वालों के लिए कैसे आएगी और आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए कैसे आएगी, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ आउटसाइड दिल्ली वाले के स्टूडेंट्स के लिए, तो उनकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो मतलब उनको जो रीजनल देखिए यहाँ लिख रखा है ओरिजिनल मार्कशीट कम सर्टिफिकेट विल बी सेंड बाय द कंसर्न्ड रीजनल ऑफिस टू द रेसिडेंशियल एड्रेस गिवन बाय द एप्लीकेंट इन द एप्लीकेशन फॉर्म बाय स्पीड पोस्ट, ठीक है। तो उनको देखिए यहाँ क्लियरली लिखा है कि जो दिल्ली से बाहर के स्टूडेंट हैं उनको स्पीड पोस्ट के थ्रू मतलब ये जो आपका मार्कशीट होगी बाद में पेपर देने के बाद जो मार्कशीट होगी, एडमिट कार्ड का तो मैंने बता दिया था फरवरी में आपका आएगा इस साइट पे, आपको वहीं से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एंड जो आपकी मार्कशीट है वो आपकी स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके घर पर भेज दी जाएगी फॉर आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए, ठीक है। एंड जो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देखिए यहाँ लिख रखा है ओरिजिनल मार्कशीट कम सर्टिफिकेट विल बी सेंड बाय रीजनल ऑफिस टू द एग्जामिनेशन सेंटर वेयर द कैंडिडेट हैड अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये देखिए इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो दिल्ली वाले स्टूडेंट है, ठीक है, उनकी जो मार्कशीट है वो जहाँ पर उनने पेपर दिया था उस सेंटर पर भेज दी जाएगी, ठीक है, लिख रखा है। और जिनको मतलब कलेक्ट करनी है वो वहाँ के अपने एडमिट कार्ड शो करके, ओरिजिनल जो एडमिट कार्ड था वो शो करके वहाँ सेंटर पर वहाँ से अपनी मार्कशीट कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और भी इन्होंने देखिए कुछ लिखा है एग्जामिनेशन सेंटर विल कीप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर वन ईयर फ्रॉम द मंथ ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड देयर आफ्टर लेफ्ट आउट डॉक्यूमेंट विल बी रिटर्न टू रीजनल ऑफिस, ठीक है। कि इनने लिखा है कि एक साल के अंदर अंदर, ठीक है, एक साल के अंदर अंदर अगर आप वो मार्कशीट वहाँ सेंटर से ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो मार्कशीट आपके वापस रीजनल ऑफिस मतलब जो सीबीएसई का रीजनल ऑफिस है
वहाँ पर वापस से सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, इन्हें यहाँ क्लियरली लिख रखा है। और फ्रेंड्स थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो आपका रिजल्ट होगा वो तो मतलब नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनके साथ ही होगा डिक्लेयर, जो कि है आपका मई में। ठीक है, मई के महीने में, एग्जैक्ट डेट इनने बताई नहीं है लेकिन मई में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। एंड जो आपकी मार्कशीट से रिलेटेड इनने कुछ बताया है, देखिए इशू ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, ठीक है, द ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस ईयर। जैसे मान लीजिए जो इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो उनको उनके पास पिछले साल की मार्कशीट होगी, उन्हें वो मार्कशीट वापस देने की ज़रूरत नहीं है। वो मतलब अपने पास वो पुराने वाली भी रख सकते हैं एंड जो नई मिलेगी वो भी रख सकते हैं। और देखिए सेकंड पॉइंट दे रखा है कि जो आपकी मार्कशीट है वो आपका जैसे या आपकी जल्दी जल्द जैसे कि आपका वो रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद आपको आपके पास जल्द से जल्द भेज दी जाएगी। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट है कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर द एडिशनल सब्जेक्ट। जैसे कि जो स्टूडेंट मतलब एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी एक अलग सी मार्कशीट बन के आएगी जिसमें सिर्फ वो एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ मैंने आपके क्वेश्चंस कवर करे हैं जो कि मतलब काफ़ी कम लोग ही मतलब कवर करते हैं, तो मैंने ये इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए मतलब ये स्पेशली वीडियो बनाई थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आप और भी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें, मैं आपको मतलब रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।